इसमे रही असला स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर टेन पॉइंट रिवर्सबल एंड ए रिवर्सेबल थर्माडमिकल प्रोसेस को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे लेकिन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं हमारे पास जो तीन स्टेट वेरिएबल्स होते हैं वॉल्यूम प्रेशर एंड टेम्परेचर इसी को हम कहते हैं स्टेट वेरिएबल्स तो अगर आप इनमें से किसी चीज को चेंज करेंगे तो बेसिकली हमारे पास जो है प्रोसेस स्टार्ट होता है थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस तो देखिए यहां हम क्या कह रहे हैं इन थर्मोडाने चेंज इन स्टेट ऑफ अम्रॉड अबाउटें आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा जब आप क्या करेंगे किसी भी स्टेट सिस्टम को चेंज करेंगे यानी वॉल्यूम को चेंज करें या टेम्परेचर को चेंज करें या फिर प्रेशर को, को चेंज करें तो फिर आपके पास वो थर्मोडानेमिकल प्रोसेस होता है अब वो कह रहेगा प्रोसेस प्रोसेस अकर्स वेन सिस्टम इंट्रैक्ट एंड एक्सचेंज एनर्जी विद सराउंडिंग्स आपका जो है वो प्रोसेस जो है वो अकर होता है कि जब आपका सिस्टम जो है वो क्या करता है एनर्जी को एक्सचेंज करता है सराउंडिंग के साथ या तो सराउंडिंग के अंदर एनर्जी को इमेट आउट करता है या फिर सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है दोनों ही सूरतों में आपके टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट आता है यानी कि आपका जब स्टेट वेरिएबल चेंज होता है तो जब आपका स्टेट वेरिएबल चेंज होगा तो फिर आपके पास जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड थर्मो डायनामिकल प्रोसेस और थर्मोडानेमिकल प्रोसेस हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं या तो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा या फिर इ रिवर्सिबल प्रोसेस होगा ये बेसिकली आप रिवर्सिबल एंड एंडल रिएक्शन पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर बिल्कुल सिमिलर उसी तरीके का हमारे पास यहाँ पर थर्मोडानेमिकल रिवर्सिबल एंड इिवर्सिबल प्रोसेस हैं रिवर्सिबल रिएक्शन uh, के अंदर आपने क्या पढ़ा है कि जो आपके पास रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट बन जाते हैं और प्रोडक्ट ही द्वारा से क्या बन जाते हैं रिएक्टेंट्स बन जाते हैं दैट इज कॉल्ड द रिवर्सिबल रिएक्शंस और अगर आप इिवर्सिबल irre, रिएक्शंस uh, की बात करेंगे तो जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट तो बना देते हैं लेकिन वही प्रोडक्ट जो है वो दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकती ऑफ आर कॉल्ड द इरिवर्सिबल इिएक्शन तो यहां पर भी ऐसे होता है कि थर्माटिकल प्रोसेस जो है uh, अपनी स्टेट को चेंज कर ले और उस स्टेट को चेंज करने के बाद वापस अपनी इनिशियल स्टेज के अंदर आ जाता है तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस और अगर आपके पास आपने स्टेट के अंदर चेंज किया और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो वापस अपनी इनिशियल स्टेट के ऊपर नहीं आ रहा तो इस तरह के प्रोसेस 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 को को हम हम लोग लोग कहते हैं एयर रिवर्सिबल ठीक है तो पहले जो डिस्कस करते हैं देखिए यहां हम कह रहे हैं कि अ प्रोसेस इज सेट टू बी रिवर्सिबल इफ इट कैन बी रीट्रेस एग्जैक्टली इन रिवर्स ऑर्डर विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी चेंज इन इट्स सराउंडिंग यानी कि ऐसा प्रोसेस कि जिसमें आपका जो सिस्टम uh, है वो बिल्कुल रिट्रेस uh, हो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन के पास चला जाए प्रोड्यूसिंग एनी चेंज इन सराउंडिंग यानी कि किसी किस्म का सराउंडिंग जो है वो चेंज प्रोड्यूस ना करे तो इसको हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस ठीक है तो रिवर्सल प्रोसेस के हम लोग जो है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखते थे कि आपको बात तो समझ आ गई होगी की लटके लें कि मैं जो है वो एक ऑब्जेक्ट के प्रेशर को डिक्रीज कर रहा करूं फिफ्टीन एटीएम लटके लें कि प्रेशर को डिक्रीज करा तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा ठीक है और अगर दोबारा से मैं 15 एटीएम का प्रेशर अप्लाई करूंगा तो वॉल्यूम जो है वो दोबारा से अपनी इनिशियल स्टेट के ऊपर आ जाएगा दैट इज कॉल्ड द कॉल्डिबल प्रोसेस आगे हम इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे ठीक देखे, है देखिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन को जो आपकी बुक एक्सप्लेनेशन है इन द रिवर्सिबल प्रोसेस द सिस्टम पॉसेस थ्रू द सेम चेंज एज इन द डायरेक्शन डायरेक्ट प्रोसेस टू द सेम स्टेट एज इन द बट द थर्मल एंड मैकेनिकल इफेक्ट एट देखिये exactly यहां पर, पर बेसिकली होता है कि आपका जो सिस्टम वही चेंज प्रोड्यूस करता है जो कि आपने प्रोसेस के वो, वो डायरेक्ट प्रेशर को कम किया था तो आप जो है वो जब उसको रिवर्स करवा रहे हैं तो फिर आप क्या करके प्रेशर को इंक्रीज करवाएंगे अब देखिये यहां कहा जा रहा है कि इफ हीट इज एब्सोर्ब इन द डायरेक्ट प्रोसेस इट विल बी गिवन आउट इन द रिवर्स प्रोसेस यानी कि अगर आपने प्रोसेस को जनरेट करवाने के लिए स्टार्ट करवाने के लिए हीट को एब्सॉर्ब किया था सराउंडिंग से तो रिवर्स प्रोसेस में आपको क्या करना होगा वही जो गेन हीट है उसी को आपको एमिट आउट करना होगा यानी कि रिवर्स करने के लिए आपको हीट को जो एक्सपेल करना होगा बाहर अच्छा उसके बाद हम कह रहे हैं कि इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम इन द डायरेक्ट प्रोसेस अगर सिस्टम ने वर्क आपको प्रोवाइड करके दिया था डायरेक्ट प्रोसेस में तो वर्क विल बी डन ऑन द सिस्टम इन द प्रोसेस तो हमें सिस्टम के ऊपर वर्क करना पड़ेगा रिवर्स करवाने के लिए ठीक है जैसे प्रेशर को हम हटा रहे हैं तो हमारे पास सिस्टम जो अपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा है ये हमारे पास जो वर्क हो रहा है ये सिस्टम करके दे रहा है अब सिस्टम को वापस मुझे रिवर्स करना है तो मुझे रिवर्स मुझे सिस्टम के ऊपर प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा यानी कि मुझे उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा ठीक है द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम का मतलब ये कि आप सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं और द वर्क इज डन बाय द सिस्टम का मतलब कि सिस्टम आपको वर्क करके दे रहा है सिस्टम कैसे वर्क करता है कि वो अपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर लेता ठीक है तो अगर वो वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा है आपने उसके वॉल्यूम को डिक्रीज करना है तो आपको उसके ऊपर वर्क करवाना पड़ेगा ठीक है अच्छा यहां पर कहा जा रहा है कि इन प्रैक्टिस नो एक्चुअल चेंज इज एग्जैक्टली रिवर्सिबल देखें बेसिकली रियल के अंदर हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस होने की जो परसेंटेज है वो बहुत कम है इसकी वजह ये हमारे पास बेसिकली हमारे पास कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जो कि हंड्रेड परसेंट एफिशियट हो तो रिवर्सिबल प्रोसेस तो आपको यही कहता है कि आपका प्रोसेस जो वो है वो एफिशियंट है यानी कि आपने जो काम किया वही इसी को आप जो है रिवर्स कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि हमारे पास फ्रिक्शनल जो है वो फोर्सेस हर जगह मौजूद होती हैं फ्रिक्शनल फोर्सेस क्या करती हैं कि आपके प्रोसेस के आपके सिस्टम की एनर्जी को डिसिपेट कर देते हैं तो एनर्जी को डिसिपेट करने से आपकी जो है वो एनर्जी डिस्ट्रॉय uh, हो जाती है डिसिपेट हो जाती है कि जिसकी वजह से आपका जो है वो एग्जैक्ट रिवर्स प्रोसेस हो नहीं सकता देखिए हम यहां पर हम कह रहे हैं कि अगर अच्छा दूसरी बात यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपका प्रोसेस uh, बहुत स्लो है स्लो मूविंग है तो वो प्रोसेस रिवर्सेबल हो सकता है अगर आपका प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट मूविंग है uh, तो हमारे पास वो प्रोसेस रिवर्सेबल नहीं हो सकता किसी सूरत देखें हम लोग यहां पर कह रहे हैं कि लिक्विफिकेशन एंड एवोपरेशन ऑफ अ सब्सटेंस परफॉर्मड स्लोली देखिये लिक्विफिकेशन यानी कि आप गैस को लिक्विफाई कर रहे हैं या फिर एवोपरेट मतलब लिक्विड को एवपरेट कर रहे हैं तो ये हमारे पास जो प्रोसेस है ये बहुत स्लो प्रोसेस है आर प्रैक्टिकली रिवर्सिबल तो क्योंकि ये स्लो प्रोसेस है इसलिए इसको हम लोग जो है वो रिवर्सिबल कह सकते हैं स्लो कंप्रेशन ऑफ अ गैस इन अ सिलेंडर इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस अगर आप जो है वो गैस को आहिस्ता आहिस्ता कंप्रेस कर रहे हैं तो ये भी हमारे पास क्या रिवर्सिबल प्रोसेस है कैसे एज

मैंने फिलहाल गैस को कंप्रेस कराया हुआ सिर्फ एक वेट जो है इसके ऊपर मौजूद नहीं है फिर मैंने क्या किया मैंने यहां से मजीद वेट निकाल लिया देखिए मैंने तीन वेट्स यहाँ पर निकाल लिए तो प्रेशर कम हो गया तो वॉल्यूम का क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा राइट अच्छा अब फिर उसके बाद आपने क्या किया आपने मजीद जो है देखें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आपने यहां से जो है वो वेट्स को निकाल दिया यानी कि आपने प्रेशर को मजीद कम किया तो आपका वॉल्यूम देखें फिर दोबारा इंक्रीज हो गया ये था वी वन ये हो गया वी टू ये क्या हो गया वी थ्री अब देखें अब इस प्रोसेस को हम लोग रिवर्स कर रहे देखिये री स्टोरिंग प्रोसेस का मतलब आप इसको रिवर्स कर रहे हैं तो रिवर्स करने के लिए हमने क्या कहा था कि वही काम मतलब कि उसी को रिवर्स करना पड़ेगा जो कि हमने डायरेक्ट किया था ठीक है तो अब हम क्या करेंगे देखें देखें पहले हमने 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 क्या किया था हमने यहाँ पर तीन तीन जो है वो आ, वेट सके हमने तीन वेट तो तो वॉल्यूम एग्जैक्टली सेम हो गया ठीक है उसके बाद हम लोगों ने तमाम वेट रख दिया एक वेट को हमने छोड़ दिया तो देखें हमारे पास यहां पर भी वॉल्यूम क्या हो गया एक्जेक्टली सेम हो गया दैट इज कॉल्ड द रिवर्स एबल प्रोसेस जिसमें आपका इनिशियल प्रोसेस मतलब इनिशियल जहां से आपने इनिशिएट किया था प्रोसेस को वहीं पर जाके हमारे पास एंड अप अपना दैट इज कॉल्ड द रिवर्सिबल प्रोसेस तो हमें यहां पर एक और मैं आपको यहां पर एनिमेशन दिखा रहा हूं ये देखिए बेटा यहां आपको ये दिखाया जा रहा है कि आप वॉल्यूम को कम करें तो आपका प्रेशर जो है वो सॉरी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है यानी कि आ, प्रेशर कम करने से वॉल्यूम बढ़ रहा है और फिर वॉल्यूम दोबारा से प्रेशर अप्लाई करने से वॉल्यूम आपका कम हो रहा है और एग्जैक्टली रेशियो बिल्कुल सेम है ये देखें ये वहीं पर जाकर रुकेगा जहां पर आपका इनिशियल वॉल्यूम मौजूद है आप यहां पर वाली... आपने वेट को इंक्रीज कराया यानी कि यहां पर प्रेशर ज्यादा है तो यहां पर वॉल्यूम कम हो रहा है और यहां पर प्रेशर बिल्कुल कम है तो यहां पर वॉल्यूम क्या हो रहा है ज्यादा हो रहा तो है तरह रिवर्सेबल प्रोसेस ठीक है देखें एनिमेशन आपको ये नजर आ रहा है ये है रिवर्सिबल प्रोसेस इस तरह से ठीक है इसके बाद हमारे पास जो दूसरा प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड द रि इिवर्सेबल प्रोसेस इिवर्सेबल का मैंने आपको बताया था एक्जाम्पल भी बताई थी केमिस्ट्री वाले से भी कि ऐसा प्रोसेस कि जिसमें आपका प्रोसेस अपनी इनिशियल स्टेट के ऊपर वापस नहीं आ सकता इस तरह के प्रोसेस को हम लोग इवर्सेबल प्रोसेस और ये प्रोसेस जो है वो बहुत ही फास्ट होता है यानी कि आप कह सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस इमेशन मतलब जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं आपके एनवायरनमेंट के अंदर वो तमाम के तमाम ही ज्यादातर क्या होते हैं इर रिवर्सेबल होते हैं हम लोगों ने इसको भी डिस्कस भी किया था अभी देखिए यहां हम कह रहे हैं कि आप प्रोसेस विच कैन नॉट बी रीट्रेस इन द बैकवर्ड डायरेक्शन बाय रिवर्सिंग द कंट्रोलिंग फैक्टर्स सेट टू बी ए रिवर्सिबल यानी कि अगर आप जो है वो आपने प्रेशर को बढ़ाया और जब प्रेशर को इंक्रीज कर तो वॉल्यूम आपका उतना ही नहीं आएगा जितना पहले आया था तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ए रिवर्सेबल प्रोसेस और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि आपकी जो है वो फ्रिक्शनल फोर्सेस जो है वो मौजूद होती हैं या फिर दूसरी वजह यह है कि आपका जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा जो जा फास्ट है ठीक है।, है जैसे एक्सप्लोजन है एक्सप्लोजन हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है रिवर्सबल प्रोसेस की कि आपको आपने एक्सप्लोड करवा दिया एकदम से ठीक है तो एनर्जी आपकी जो है डिसिपेट हो जाती तो उसी एक्सप्लोजन को आप जो है वो कंट्रोल करके दोबारा रिएक्ट मतलब रिवर्स करने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर सकते किसी सूरत नहीं कर सकते तो इस तरह के तो कहते हैं विच इन्वॉल्व फ्रिक्शन और ऑफ एनर्जी थ्रू कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन आर एर रिवर्सिबल एन एग्जाम्पल ऑफ हाईली रिवर्सिबल प्रोसेस इज एन एक्सप्लोजन एक्सप्लोजन जो हमारे पास uh, इर रिवर्सेबल प्रोसेस की बेटा ये रिवर्सिबल है हाईली इिवर्सिबल ठीक है uh, तो एक्सप्लोजन हमारे पास जो है वो हाईली इिवर्सिबल प्रोसेस है हमारे पास देखें एक वैक्यूम था था होता था पहले जिसके अंदर हम लोग जो है वो हॉट टी वगैरह या किसी भी चीज को रखते थे तो वहां पर हमारे पास जो है वहां पर भी इनर्जी डिसिपेशन हो रही होती है तो बेसिकली वो, वो भी हमारे पास जो है वो एक तरह से इ रिवर्सबल प्रोसेस ही हो रहा होता ठीक है इसके बाद हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस में ये है कि हमारे पास आफ्टर रेगुलर चेंजेस के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है अपनी इनिशियल स्टेट के ऊपर वापस आ जाए यानी कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस ही है इस तरह के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस जिसके अंदर हमारे पास एक कंप्लीट साइकिल चलता है देखिए यहां हम कह रहे हैं अ सीरीज ऑफ ब्रिंग्स द द सिस्टम बैक टू इनिशियल स्टेट इज कॉल्ड साइकिल एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस कि जिसमें आपका सिस्टम जो है uh, कुछ रेगुलर इंटरवल ऑफ चेंजेस के बाद वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ जाएगा दैट इज कॉल्ड द साइक्लिक प्रोसेस राइट The system which goes to the succession of cyclic process is often called heat engines dekhen देखें engines basically hamare हमारे पास cyclic process ko को ही karte करते हैं आया ये बात अलग है कि उनकी हमारे पास efficiency बहुत कम होती है लेकिन हमारे पास जो है वो process cyclic ही होता है ठीक है तो देखिये मैं यहाँ पर आपको कुछ वो ए रिवर्सल प्रोसेस दिखा रहा हूँ कि हॉट बॉडी मतलब हीट जो है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी लेकिन कोल्ड बॉडी से हीट जो है वो हॉट बॉडी में ट्रांसफर नहीं हो सकती तो ये प्रोसेस हमारे पास कौन सा प्रोसेस हो गया इिवर्सिबल प्रोसेस हो गया ठीक है इसके बाद हमारे पास मैं आपको यहाँ पर एक और एक और एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ कि देखें ये हमारे पास जो है ये जो आपके पास एक आइसक्रीम है तो आइसक्रीम को आपने लिक्विफाई कर लिया यानी कि आपने जो है इसकी स्टेट को चेंज कर लिया लिक्विड बना दिया लेकिन अगर आप लिक्विड को दोबारा से जो है वो फ्रीज कर देंगे तो ये सॉलिड बन जाएगा तो ये हमारे पास क्या है रिवर्सिबल चेंज है ठीक है इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है रिवर्सिबल प्रोसेस है लेकिन अगर आपने ये लड़के लगे एग है आपके पास आपने एग को फ्राई कर लिया ठीक है तो आप इसको दोबारा से एग नहीं बना सकते हैं तो ये जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड द इिवर्सिबल प्रोसेस ठीक है तो ये हमारे पास डिफरेंस है बिटवीन रिवर्सिबल एंड इ रिवर्सिबल प्रोसेस और लास्ट में हम लोग जो है कुछ साइक्लिक प्रोसेस के एग्जाम्पल्स देख रहे हैं देखिए अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ में पता है कि हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम हमारा डिक्रीज हो जाता है या फिर प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो जाता है तो यहां पर मैं आपको जो है वो कानट uh, इंजन का बेसिकली ग्राफ दिखा रहा हूं तो ये कानट इंजन ही हम लोगों ने पढ़ना है तो उसको हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा करूँ बेसिकली प्रेशर को डिक्रीज कर रहा हूँ तो प्रेशर को डिक्रीज करना देखिए देखिए वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है इंक्रीज हो रहा है मजदीद मैंने प्रेशर को डिक्रीज किया तो वॉल्यूम आपका दोबारा से इंक्रीज हुआ फिर मैंने क्या किया रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट किया मैंने अब वॉल्यूम को कम करना स्टार्ट करी थे तो प्रेशर आपका इंक्रीज होना शुरू हो गया यहां पर भी मैं यही कह रहा कि वॉल्यूम को मैं डिक्रीज करूं तो प्रेशर आपका इंक्रीज हो रहा और आपका सिस्टम वहीं पहुंच गया जहां से इसने इनिशिएट किया था दिस टाइप ऑफ प्रोसेस कॉल्ड द साइक्लिक प्रोसेस इन विच अम अंडर रेगुलर इंटरवल ऑफ चेंज एंड गेट बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट इज कॉल्ड द साइक्लिक प्रोसेस ठीक है अब हमारे पास यहाँ पर एक और मैं आपको यहां पर डायग्राम दिखा रहा हूँ प्रेशर और वॉल्यूम की ही दिखा रहा हूँ पहले आप क्या करें कि आप प्रेशर को कम कर रहे हैं तो वॉल्यूम आपका जो है वो इंक्रीज करा देखें क्या किया आपने वॉल्यूम को कम करना स्टार्ट किया तो प्रेशर आपका इंक्रीज होना शुरू हो गया तो ये भी हमारे पास एक तरह का साइकिल प्रोसेस है ठीक है बेटा तो ये थी हमारे पास यूनिट नंबर टेन पॉइंट सिक्स रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस करेंगे Uh, अगर कोई क्वेश्चन है बेटा तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं इंशाल्लाह उसका मैं आंसर कर दूंगा अपनी दो याद रखिएगा थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज